ప్రమాణనయ కీర్తనం కదాగ్రహకర్తనం అనేకాంతార్థదం రత్నత్రయాత్మకం పొగ్గల్ జీవని వద్దో ధమ్మ ధమ్మతి కాయకాలడ్డో వట్టది ఆగా సేజో లోగో సో సవ్వ కాలేదు పొగ్గల్ జీవని బద్ధో यह गेय तत्व अधिकार में छह द्रव्यों के विभाजन के साथ में यह वर्णन चल रहा है। कल बताया था कि द्रव्य मुख्य रूप से दो हैं, एक जीव द्रव्य और एक अजीव द्रव्य। उसमें चैतन्य रूप और उपयोगमय जीव द्रव्य है और अचेतन द्रव्यों में मुख्य रूप से पुद्गल द्रव्य की मुख्यता है, ऐसा पिछली गाथा में कहा था। अब इस गाथा में कहते हैं कि लोक के अंदर कितने द्रव्य होते हैं और ये लोक किसका नाम है। पोगल जीव निबद्धो, यानी पुद्गल और जीवों से निबद्ध माने बंधा हुआ। धम्मा धम्मत्थि काय कालड्ढो, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय और काल, इनसे इड्ढ माने भरा हुआ। वट्टदि माने रहता है, आया से आकाश में जो, वह तो लोक होता है। सो सब कालेदु, वह सर्वकाल इसी रूप में बना रहता है। क्या तात्पर्य निकला कि आकाश में जितना भाग पुद्गल जीव से बंधा हुआ है और धर्म अधर्म अस्थिकाय के साथ में काल द्रव्य से युक्त है, वह आकाश जो है वह लोक कहलाता है। उसी को यहाँ पर लोक की संज्ञा प्राप्त है। लोक किसे कहते हैं ये यहाँ बताया गया। हमेशा कहते आते हैं लोक में अनेक द्रव्य हैं, तो वो अनेक द्रव्य कौन से हैं, वो ये द्रव्य हैं। अब इन द्रव्यों में धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और काल द्रव्य, ये जो द्रव्य हैं ये तो एक तरह से निष्क्रिय द्रव्य होते हैं, और जो पुद्गल और जीव द्रव्य हैं ये सक्रिय द्रव्य होते हैं। आकाश भी एक निष्क्रिय द्रव्य है और उस आकाश के अंदर ये आकाश द्रव्य के साथ छहों द्रव्य समाहित रहते हैं। आकाश द्रव्य में देखेंगे तो पांच द्रव्य दिखाई देंगे, लेकिन आकाश द्रव्य को भी जोड़ेंगे तो छह द्रव्य हो जाएंगे। जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, मतलब जहां पर ये छह द्रव्य पाए जाएं उसी को लोक कहते हैं, यह इसका अर्थ होता है। लोक का मतलब क्या हुआ, जहां पर छह द्रव्य पाए जाएं, छह द्रव्यों से भरा हुआ जो स्थान है उसी का नाम लोक है। छह द्रव्यों में मुख्यता किसकी है, तो यहाँ पर पुद्गल और जीव द्रव्य की मुख्यता इसलिए है क्योंकि ये द्रव्य आपस में बंधे हुए रहते हैं। पुग्गल जीव निबद्धो,
इसलिए यह एक अलग समास पद में आचार्य महाराज ने यहाँ पर गाथा में उल्लेख किया है कि पुद्गल और जीव ये आपस में दोनों बड़े बंधे हुए हैं। जीव द्रव्य चैतन्यमय होते हुए भी पुद्गल द्रव्य से बंधा हुआ है और पुद्गल द्रव्य भी उस चैतन्य द्रव्य से बंध जाता है, क्योंकि दोनों में एक शक्ति है जिसे क्रियावती शक्ति कहते हैं। कौन सी शक्ति? क्रियावती शक्ति। जिस क्रियावान शक्ति के कारण से जीव और पुद्गल आपस में बंध जाते हैं। और एक शक्ति होती है भाववान शक्ति, भाववती शक्ति, जिसके कारण से हर द्रव्य का कुछ ना कुछ भाव बना रहता है। धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, ये चारों द्रव्य जो है अपने हमेशा एक ही भाव में रहते हैं, क्योंकि ये शुद्ध द्रव्य हैं और इस कारण से इनका हमेशा एक ही रूप में बना रहना होता है, अपने एक ही भाव में बना रहना होता है। लेकिन जीव और पुद्गल के भाव जो है बनते बिगड़ते रहते हैं। क्यों बनते बिगड़ते रहते हैं? क्रियावान शक्ति के माध्यम से। यह क्रियावान शक्ति ही जीव को संसार में बांधने का कारण बनती है और जीव का यह क्रियावान शक्ति होने के कारण से ही वह संसार से मुक्त होने में भी उसके लिए कारण बनती है। इसलिए संसार हो या मुक्ति हो, इन दोनों में एक कॉमन रूप से जो जीव की शक्ति है वह है उसकी क्रिया करते रहना, यानी कुछ ना कुछ सक्रियपना उसके अंदर बने रहना। यह सक्रियपना जब तक बना रहता है वह कुछ ना कुछ क्रिया करता है और उस क्रिया के माध्यम से या तो बंध तत्व संपादित होता है या मोक्ष तत्व संपादित होता है। इसलिए सबसे ज्यादा लोक में मुख्यता है जीव और पुद्गल की। कितने जीव हैं? अनंत जीव हैं। सब किससे बंधे हुए हैं? सब पुद्गल से बंधे हुए हैं। जीव भी अगर खोज कर रहा है तो किसकी कर रहा है? पुद्गल की कर रहा है। समझ आ रहा है? जीव कभी भी जीव की खोज नहीं करता। वर्तमान का विज्ञान इन द्रव्यों में इस तरह से उलझा हुआ है कि पुद्गल द्रव्य की शक्ति को ही बस पहचान रहा है, चाहे वो मोबाइल बनाने के रूप में हो, चाहे वो सैटेलाइट बनाने के रूप में हो, चाहे वो चांद पे जाने के रूप में हो, चाहे वो पूरी पृथ्वी को देखने के रूप में हो, एटम बम बनाने के रूप में हो, मिसाइल बनाने के रूप में हो, कुछ भी हो, ये सब चीज़ें किसकी शक्तियाँ हैं? ये सब पुद्गल की शक्तियों की खोज है। किसकी? और ये पुद्गल द्रव्य भी इस लोक में खूब भरा पड़ा है। तो सबसे बड़ा जो एक विज्ञान जैन विज्ञान है, उस विज्ञान में पुद्गल द्रव्य की शक्ति की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, जीव द्रव्य की शक्ति की तरफ ध्यान दिया जाता है। किसकी तरफ? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य अपनी शक्ति को पहचाने, जीव द्रव्य अपनी क्रियावान शक्ति को देखे, जीव द्रव्य को अपनी शक्ति का पता पड़े, ये मुख्यता रहती है। तो जब जीव द्रव्य की शक्ति की बात आती है तो अपनी आत्म द्रव्य की ओर उसकी परिणति होती है। तो कोई भी व्यक्ति स्वयं के लिए कुछ करना नहीं चाहता, वह दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों के लिए सब कुछ करना चाहता है। इसलिए पुद्गल द्रव्य की शक्ति की खोज होती है तो पुद्गल द्रव्य की भिन्न भिन्न शक्तियां सामने उभर करके आ जाती हैं और वही एक विज्ञान का नाम प्राप्त कर लेती हैं। लेकिन जैन तीर्थंकर आचार्य भगवंत क्या कहते हैं कि हमें पुद्गल द्रव्य की शक्ति में ना पड़ करके जीव द्रव्य की शक्ति को देखना चाहिए। जीव द्रव्य की शक्ति कैसे देखी जाएगी? तो उसके लक्षणों के माध्यम से देखी जाएगी। जीव पुद्गल के साथ जुड़ा हुआ है तो जीव में जो कुछ घटित होगा वो पुद्गल में दिखाई देगा। क्या कहा? जीव में जो कुछ घटित होगा वह पुद्गल में दिखाई देगा।
मान लो जीव के अंदर कसाय उत्पन्न हो रही है, तो वह जीव में अगर उत्पन्न होगी तो वह बाहर पुद्गल में भी दिखाई देगी। कौन से पुद्गल में? शरीर रूपी पुद्गल में, है ना, और खास तौर से उसके मुख पर। कहां दिखाई देगी? मुख पर। जीव के अंदर भाव जैसे होंगे, विशुद्धि के भाव होंगे तो वह भी उसके मुख पर दिखाई देंगे, संक्लेश के भाव होंगे तो वह भी उसके मुख पर दिखाई देंगे, टेंशन होगा तो वह भी मुख पे दिखाई देगा, टेंशन लेस होगा तो वह भी मुख पे दिखाई देगा। क्योंकि पुद्गल जीव निबद्धो, ये पुद्गल और जीव जो है बड़े आपस में घने ढंग से बंधे हुए हैं एक दूसरे में। जब हम इन बंधे हुए जीव और पुद्गलों के स्वभाव पर विचार करते हैं कि जीव का स्वभाव क्या, तो वह स्वभाव का जो विचार होता है वो होता है निश्चय नय से विचार। जैसे हमने कहा जीव का लक्षण चेतना है, उपयोगमय होना है, तो ये किससे हो गया? ये जीव का स्वभाव निश्चय नय से जीव का स्वभाव हो गया। फिर जब हमने कहा कि जीव पुद्गल से बंधा हुआ है, जीव पुद्गल के अनुसार भी क्रिया करता है और जीव की क्रिया के अनुसार भी पुद्गल में क्रिया होती है, तो ये क्या हो गया? ये व्यवहार नय से कहने में आ गया। व्यवहार नय का मतलब जिसमें पर का संबंध हो गया, पर पदार्थ का, दूसरे द्रव्य का जिसमें संबंध हो गया, उसके साथ जब हम वर्णन करेंगे तो वो कहलाएगा व्यवहार नय से द्रव्य का वर्णन। तो जब हम व्यवहार नय से जीव को कहेंगे भाई जीव कैसा है, ये जीव कसाय कर रहा है। जीव कहीं कसाय करता है? जीव का तो लक्षण उपयोग वाला बताया था आपने, जीव का लक्षण तो आपने चेतना बताया था, कसाय करना तो उसका लक्षण ही नहीं, फिर जीव कसाय कर कैसे सकता है? तो पुद्गल द्रव्य के संयोग के कारण से, कर्म के संयोग के कारण से जीव और पुद्गल ऐसे निबद्ध हैं, बंधे हुए हैं आपस में, कि अगर पुद्गल कर्म के संयोग से उसमें क्रोध कसाय उत्पन्न होती है तो जीव को भी कसाई कहा जाता है, ये भी कसाय वाला है, ये कसायवान जीव है। समझ आ रहा है? यह जीव संक्लेश करने वाला है, यह जीव विशुद्धि करने वाला है, इस जीव की लेस्याएं अशुद्ध हैं, इस जीव की लेस्याएं शुद्ध हैं, इस जीव के अंदर क्षमा भाव है, इस जीव के अंदर क्रोध भाव है। तो ये सब क्यों कहना पड़ता है? व्यवहार नय से। समझ आ रहा है? व्यवहार से ही जीव को देखने में आता है दूसरा जीव। निश्चय नय से तो सब जीव कैसे दिखेंगे? सब चेतना लक्षण वाले हैं, लेकिन सबकी चेतनाएं कैसी कैसी काम कर रही हैं? तो अपने अपने कसाय परिणामों के अनुसार, अपने अपने मन वचन काय के योग के अनुसार सब जीवों का परिणमन अलग अलग दिखाई देता है, अलग अलग चलता है। समझ आ रहा है? यह परिणमन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे जीव को बाहरी निमित्त मिल जाते हैं वैसे उसका परिणमन हो जाता है। यह भी बात है। क्या कहा? जैसे बाहरी निमित्त मिल जाते हैं वैसा ही उस जीव का परिणमन भी हो जाता है। कल आपको एक बात बताई थी कि जब भी कोई कार्य होता है तो उपादान और निमित्त दोनों के संयोग से होता है, दोनों के उपस्थित रहने से होता है, दोनों के मेलजोल से होता है। उसमें एक बात यह भी आती है, कई लोग पूछते हैं कि अगर उपादान और निमित्त के माध्यम से ही काम होता है तो क्या हम निमित्त से उपादान को बदल सकते हैं? क्या हम निमित्त के माध्यम से उपादान में घटित होने वाले कार्यों को रोक सकते हैं या बना सकते हैं? तो आचार्य कहते हैं यह भी उपादान की शक्ति पर निर्भर करता है। निमित्त के अनुसार उपादान में परिवर्तन होता भी है, नहीं भी होता है। निमित्त उपादान को किसी कार्य से रोक भी सकता है, नहीं भी रोक सकता है। ये डिपेंड करता है इस बात पर कि उस निमित्त का उपादान पर कितना प्रभाव पड़ रहा है और वह उपादान किस स्थिति में है।
क्योंकि एक बात अगर हम कहेंगे तो वह कभी भी घटित नहीं होगी, अगर हम हां कहेंगे तो भी घटित नहीं होगी, ना कहेंगे तो भी घटित नहीं होगी। निमित्त उपादान को अपनी हानि से रोकता भी है, उसकी उन्नति में सहायक भी होता है, और एक स्थिति में जाकर के निमित्त फिर उपादान के लिए ना हानि में सहायक होता है ना उसकी उन्नति में सहायक होता। सिद्ध भगवान बन गए, अब उनके लिए दुनिया का कोई निमित्त उनका कुछ नहीं कर सकता, क्या समझ आ रहा है? और जब तक वो सिद्ध भगवान नहीं बने, उससे पहले जब संसार में रहते हैं तो संसार की हर व्यवहार से उनके उपादान में बिगाड़ या बनाव आता रहता है। मुनि महाराज भी जब तक हैं तब तक भी बाहरी निमित्तों से उनके अंदर कसायों का परिवर्तन, गुणस्थानों का परिवर्तन, लेश्याओं का परिवर्तन, ये सब संभव रहता है, क्या समझ आया? क्योंकि निमित्त का प्रभाव उपादान पर पड़ रहा होता है, और जब उपादान इतना परिपूर्ण हो जाए, शुद्ध हो जाए, सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान की तरह या शुक्ल ध्यान में बैठे हुए योगी की तरह, तो फिर उस पर निमित्त का कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं देता। ये उपादान की योग्यता जैसे जैसे बढ़ती जाती है, निमित्त का अपने आप अलगाव उससे होता चला जाता है, और जब तक ये उपादान अपने पूर्णता को प्राप्त नहीं होता, सशक्त नहीं होता, तब तक उसके लिए बाहरी निमित्तों की आवश्यकता पड़ जाती है। एक घटना आती है शास्त्रों में, राजा श्रेणिक के समय की बात है, कि राजा श्रेणिक भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, और जाते हुए रास्ते में एक वृक्ष के नीचे उन्हें एक मुनि महाराज दिखाई देते हैं। मुनि महाराज को देख करके उन्होंने वंदना की उनकी, और वंदना करने के बाद में उनके मुख की ओर देखा तो उन्हें लगा कि मुख महाराज का कुछ थोड़ा सा विकृत है। विकृत का मतलब जो एक सौम्यता, प्रसन्नता होनी चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही है। क्यों नहीं दिखाई दे रही है? तो राजा श्रेणिक ने समझ लिया कुछ ना कुछ बात तो है, लेकिन हम महाराज से तो पूछ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो ध्यान में बैठे हैं, आंख बंद किए बैठे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि भीतर जो है कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, समझ आ रहा है? फेस इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट, है जो मुख पर दिखाई देता है वो भीतर होता है। अब राजा श्रेणिक जो है उस स्थिति से अपने आप को बचाते हुए अपने समोसरण में चले गए, भगवान महावीर के पास राजगृही में समोसरण लगा था विपुलाचल पर्वत पर, वहां पहुंच गए वो, और वहां पहुंच करके उन्होंने भगवान महावीर स्वामी की वंदना की, स्तुति की, और जब अपनी सभा में बैठ गए तो उन्होंने एक प्रश्न किया, और वो प्रश्न उन्होंने गौतम गढ़धर परमेष्ठी से किया, और यही प्रश्न किया कि महाराज अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो एक मुनि महाराज बड़े अच्छे शरीर के थे, सकल सूरत से बड़े अच्छे कुल के मालूम पड़ रहे थे, सब कुछ था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनके मन में कुछ गड़बड़ चल रहा हो, क्या सुन रहे हो? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? अब आप तो अंतर्यामी हो, चार चार ज्ञान के धारी हो, गढ़धर परमेष्ठी चार ज्ञान के धारी होते हैं, उन्हें भी सब कुछ अपने ज्ञान से देखने में आता है, समझ आ रहा है? मन पर्य ज्ञान भी अपनी आगे की पर्यायों को बताने वाला होता है, अवधि ज्ञान भी आगे क्या होने वाला है इन पर्यायों को बताने वाला होता है। तो गढ़धर परमेष्ठी को भी कई कई भवों का आगे का भी दिखाई देता है, समझ आ रहा है? और वह उनसे पूछते हैं राजा श्रेणिक गढ़धर परमेष्ठी से कि भगवान वो मुनि महाराज के जब हमने दर्शन किए तो हमें ऐसा लग रहा था कि कुछ महाराज के भीतर के परिणाम बड़े प्रसन्न चित्त नहीं थे, मुख पर कुछ तनाव दिखाई दे रहा था, कुछ उनका मतलब भौंए
बंद होते हुए भी जो है कहीं तन सी रही थी, समझ आ रहा है। तो गणधर परमेष्ठी ने कहा, श्रेणिक बात तो तुम्हारी सही है, जिन मुनि महाराज के तुमने दर्शन किए हैं वो एक राजा हैं और उन्होंने भगवान महावीर स्वामी के ही उपदेशों को सुनकर के, अभी अभी कुछ दिनों पहले भगवान महावीर स्वामी के उपदेशों को सुनकर के वैराग्य धारण किया है और वो दीक्षा लेकर के तपस्या करते हुए भ्रमण करते हुए यहां तक आ पहुंचे हैं। और यहां पर आकर के अब देखो क्या होता है, गणधर परमेष्ठी सब जान रहे हैं कि क्या हुआ उनके साथ में, सुनते जाना। गणधर परमेष्ठी बता रहे हैं कि उन मुनि महाराज का नाम है धर्मरुचि मुनि महाराज। क्या नाम है? हाँ, पहले उनका नाम कुछ और था, एक श्वेत वाहन राजा थे वो, लेकिन अभी उनका नाम क्या है? धर्मरुचि। वो क्यों नाम पड़ गया उनका? कि लोगों ने उनको देखा कि ये 10 धर्मों का बड़ी दृढ़ता से पालन करते हैं और इनकी 10 धर्मों में बड़ी रुचि है, तो लोगों ने उनको धर्मरुचि नाम से कहना शुरू कर दिया। समझ आ रहा है? ऐसा भी हो जाता है, महाराज के नाम श्रावक के द्वारा भी अपने अपने ज्ञान के अनुसार बन जाते हैं, है ना। और पहले के जमाने में तो नाम जो राजाओं के होते थे अक्सर वही रहा करते थे, अगर कोई बदल गया कुछ नाम तो उनकी कुछ विशेष गुण के कारण से हो जाता था, है? आज की बात नहीं है कि आज तो जो है पुराना नाम परिवर्तित होकर के ही नया नाम रखा जाता है। वो इसीलिए रखा जाता है कि ताकि पुराने नाम का मोह इस नई पर्याय के साथ जुड़ा ना रहे, और पुराने लोग भी जो है पुराना नाम ले ले करके पुराना मोह उत्पन्न न करें, इसलिए नया नाम रख करके नया जीवन दिया जाता है। तो वह दीक्षा के साथ में उनकी एक नई शुरुआत हो जाती है। पुरानी बातें सब छोड़ दो, भूल जाओ, नाम तक भी बदल जाए। लेकिन पहले चतुर्थ काल में ऐसा जरूरी नहीं होता था, मुनि महाराज के नाम ज्यों के त्यों भी बने रहते थे, क्योंकि उनको दूर रहना है, जंगलों में रहना है, समझ आ रहा है, और उन्हें अपनी त्याग तपस्या में इतना लीन रहना है कि समाज से कोई काम नहीं रखना, उनको समाज से कोई मतलब नहीं रखना। आज तो मुनि महाराज को समाज के बीच में ही रहना पड़ता है ना। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है, परिवर्तन है, इस कारण से नाम भी बदले जाते हैं। और फिर उन नाम के साथ में भी जो कुछ भी पहले आपका लेखा जोखा था, जो कुछ भी आपका हिसाब किताब था, वो सब उसी समय पर छूट जाता है, क्योंकि नाम बदल गया तो सब छूट गया, तो वो सब हटाना होता है। तो वर्तमान में भी जो है जो ये नाम अलग रखने की पद्धति है, ये भी अच्छी है, क्योंकि इसके कारण से भी जो है एक नया भाव, नया कहना चाहिए जीवन की शुरुआत है, तो वह नए नाम के साथ में हो जाती है, समझ आ रहा है। लेकिन पहले के मुनि महाराजों के नाम भी वही बने रहते थे, लोग उनको कभी कभार किसी दूसरे नाम से कहने लग जाए बात अलग है, लेकिन अधिकतर नाम वही बने रहते थे। अब वो मुनि महाराज का नाम धर्मरुचि मुनि महाराज है, समझ आ रहा है। लोग उनके दर्शन करने आए, और एक बार की बात कि 3 व्यक्ति उनके पास में दर्शन करने के लिए आए, और उनमें से एक ज्योतिषी था। ज्योतिषी ने देखा उनका हुलिया, हुलिया का मतलब उनका ऊपर से नीचे तक का शरीर देखा, सोचने लगा इनके शरीर में जितने भी लक्षण हैं ये सब तो अच्छे महाराजा के राजा के लक्षण हैं, और ये यहां बिल्कुल नग्न अभाव में भिखारी की तरह बैठे हैं, समझ आ रहा है। उसने ये बात अपने दूसरे मित्र से कही, तो दूसरे मित्र ने कहा कि भाई ऐसी बात नहीं है, ज्योतिष शास्त्र में जो लिखा है वो तो ठीक ही है, लेकिन कभी कभी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही पूरा का पूरा जीवन नहीं चलता, अपने पुरुषार्थ के अनुसार भी जीवन चलता है। मुनि महाराज राजा ही थे, लेकिन उन्होंने अपना सब राजपाट छोड़ दिया, और सब कुछ छोड़ करके वो अपनी आत्मा का ध्यान करने के लिए यहां विराजमान हैं, इसलिए वो महाराज थे, तुम्हारे ज्योतिष के अनुसार कोई गलती नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने ज्योतिष पर से विश्वास नहीं हटाना चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जितना ज्योतिष कहता है उतना ही सब कुछ
नहीं होता है। तो जब दूसरे व्यक्ति ने बात की तो तीसरा उसके साथ और खड़ा था, तो कहने लगा हाँ ये वही राजा लग रहे हैं जिन राजा ने अपने बेटे को राज्य दे दिया था, और वो बेटे की उम्र उस समय पर बहुत थोड़ी थी, और वो बेटा जो है बहुत छोटा है, और उसको राजपाट ये दे करके चले आए, और बाद में इन्हीं के मंत्रियों ने उस राजकुमार को परेशान किया और उसको तो जो है बंदी बना के डाल दिया, और ये मंत्री लोग ही पूरे राज्य पर कब्जा कर लिए, शासन कर रहे हैं। सुन रहे हो? अब ये बातें तीन लोग जो है बातें कर रहे हैं, समझ आ रहा है? जैसे आप लोग कभी बातें करते हो ना मंदिर में, बतियां करें तीन सखियां बोलते हो ना ऐसे ही जो है तीन लोग बातें कर रहे हैं, और वो सब पास में खड़े खड़े बातें कर रहे हैं, मुनि महाराज के कान में वो बात पहुंच रही है। देखो अब आप कहते हो सब कुछ जो होना है सो होना ही है, हम कुछ भी किसी का कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो होना है सो होना है, ये कहने में भी आपको ध्यान रखना है कि निमित्त और उपादान के अनुसार ही काम होना है, समझ आ रहा है? अगर हमारे उपादान में योग्यता होगी तो निमित्त के अनुसार उसमें उसकी योग्यता बनती भी चली जाती है, और अगर हमारे उपादान में योग्यता नहीं होती है तो निमित्तों के मिलने पर वह योग्यता नष्ट भी होती जाती है। ये होना या नहीं होना, ये दोनों निश्चित कुछ भी नहीं होता है, होता भी है और नहीं भी होता है। काम जब भी होगा उपादान और निमित्त के अनुसार होगा। ये जरूरी नहीं है कि हमने एक उदाहरण जैसे मान लो कल दिया था द्वारिका जलेगी तो जलेगी, अब हम कितना ही बड़ा निमित्त लाके रख दें तो उस निमित्त से द्वारिका को जलने से बचा नहीं सकते हैं, इसलिए निमित्त कुछ नहीं कर सकता है, समझ आ रहा है? लोग वहां से क्या सिद्धांत निकाल लेते हैं, निमित्त कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अब आप कोई भी निमित्त कैसा भी ले आओ, दीपायन को बाहर भेज दिया, समझ आ रहा है? वो बाहर चले गए कहीं दूर जाकर के मुनि महाराज बन गए, और फिर भी जो है लौट करके वहीं पे आ गए, और उन्हीं को क्रोध आया तो उन्हीं के क्रोध से वो द्वारिका जली, इसलिए निमित्त कुछ नहीं कर सकता है, जो होना है वो तो होकर के रहेगा। ऐसा जो इस उदाहरण को देख करके जो लोग सिद्धांत बनाते हैं वो गलत सिद्धांत है, समझ आ रहा? उदाहरण पुराणों में सब तरह के मिलते हैं, अगर हम एक ही तरीके का उदाहरण पकड़ लेते हैं तो वह हमारा एक सिद्धांत ना बन करके वो एकांत बन जाता है, और एकांत माने मिथ्या सिद्धांत हो जाता है। उदाहरण सब तरह के मिलते हैं, उदाहरणों के माध्यम से हम कभी सिद्धांत नहीं बना सकते हैं, लेकिन सिद्धांतों के अनुसार अगर उदाहरण मिलते हैं तो हमें उसमें घटित करना चाहिए, ये हमारी अपनी ज्ञान की क्षमता होनी चाहिए। क्या समझ आ रहा है? उदाहरणों से सिद्धांतों को नहीं बनाया जाता है, जो सिद्धांत है उसके अनुसार यदि उदाहरण मिल रहा है तो हमें उसके अनुसार उदाहरण बता करके सिद्धांत को समझाना चाहिए, समझ आ रहा है? उदाहरण हमें किसी भी रूप में मिल सकते हैं, लेकिन एक उदाहरण को हम अगर एक सिद्धांत बना करके बैठ जाएंगे तो वो हमारे लिए एकांत मत हो जाएगा, अनेकांत मत नहीं रहेगा। जो जो होना है सो होकर के ही रहेगा, निमित्त कितना भी कुछ भी अपने आप को बचाने की कोशिश करे, काम उपादान में होना है निमित्त अपने आप आकर के खड़ा हो जाएगा, उपादान के आगे निमित्त कुछ नहीं कर सकता है, निमित्त को हम रोकना भी चाहें तो भी उपादान में वह काम हो ही जाएगा। ऐसा जो उपादान की एकांत रूप से व्याख्या करते हैं वो व्याख्या भी एकांत व्याख्या होने के कारण से गलत कही जाती है। क्या कह रहा हूं? क्यों कही जाती है? क्योंकि निमित्त और उपादान में ये देखना होता है कि वह अगर निमित्त से बचने वाला काम होगा तब तो उपादान उससे बच सकता है, और अगर निमित्त से वह उपादान बचने की योग्यता नहीं रखता है तो नहीं बच पाएगा। अब द्वारिका जलना है, भगवान के ज्ञान में आया है, जब भगवान के ज्ञान में आया है, किसी के ज्ञान में दिखाई दे रहा है और उन्होंने वह चीज बताई है
तो अब उसको तो हम अन्यथा नहीं कर सकते। अब वह जिस निमित्त से होना है होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर एक निमित्त से वह उपादान में कुछ हो ही नहीं सकता है। भगवान ने कहा था इसलिए वह हो गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान ने एक एक जीव की एक एक पर्याय के बारे में कह रखा है, इसलिए जैसा भी भगवान देख रहे हैं वैसा ही होगा, हमें अपने करने से कुछ नहीं होगा, ऐसा सिद्धांत बना लेते हैं लोग। इसी उदाहरण से ऐसा एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं। तो उनके लिए ये कहना है कि हम जो ये उदाहरण आपको बता रहे हैं इसकी ओर भी दृष्टि डालो, और ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हैं। क्या समझ आ रहा है? गणधर परमेष्ठी बता रहे हैं धर्मरुचि मुनि महाराज के बारे में। उन्हें पहले का भी मालूम होगा तो आगे का भी मालूम होगा, अगर हम यही जाने तो, क्योंकि गणधर परमेष्ठी के पास में भी विपुल मति मन है पर्य ज्ञान होता है, जो असंख्य भवों को भी जानने वाला होता है, इतनी उनके पास में क्षमता होती है, और वो तो एक ही भव की बात है। वह राजा श्रेणिक से कहते हैं कि श्रेणिक देखो घटना तो ये घट गई है कि तीन लोगों ने महाराज के पास में खड़े होकर के जो ये बातें की, उसके कारण से महाराज के मन में ये विकल्प आ गया कि मैंने मेरे बेटे को जो राजपट दिया और उस बेटे को जो मेरा बेटा बड़ा निर्दोष है, इन मंत्रियों ने दुष्ट मंत्रियों ने उसको परेशान कर दिया या उसको बंदी बना दिया, अब मैं क्या करूं। समझ आ रहा है? तो उनके मन में विकल्प चल रहा है कि उन मंत्रियों के ऊपर उन्हें गुस्सा आ रहा है, और उन्हें यह भी आ रहा है कि अगर मैं वहां होता तो इन मंत्रियों को बिल्कुल अलग करके और जो है राज सिंहासन को बिल्कुल सुरक्षित बनाए रखता। अब उनके मन में विकल्प आ गया, और इस विकल्प के कारण से भीतर ही भीतर क्रोध कषाय का उदय हो रहा है, क्रोध की अनुभाग शक्ति बढ़ भी रही है, विकल्प उनके बढ़ रहे हैं, संक्लेश बढ़ रहा है। समझ आ रहा है? क्योंकि पोगल जीव निबद्धो, जीव अभी पुद्गल से बंधा हुआ है, कर्म पुद्गल से भी बंधा है, बाहर के पुद्गलों से भी बंधा है, शरीर पुद्गलों से भी बंधा है और बाहर के भी पुद्गलों से बंधा हुआ है। अब ये बंधे होने के कारण से ऐसा ये निमित्त नैमित्तिक प्रभाव दिखाई दे रहा है कि उनकी बात करने मात्र से उन महाराज के मन में विकल्प आ गया है, और देखो वह महाराज सर्वसमर्थ हैं, लेकिन अभी उनके मन में ये आ रहा है कि इन मंत्रियों को यदि हम होते तो इनको उस राज्य से बिल्कुल अलग कर देते, और इस बात को लेकर के उन्हें जो क्रोध आ रहा है उससे उनकी लेशिया भी बिगड़ती चली जा रही है। अब देखो गणधर परमेष्ठी क्या कहते हैं राजा श्रेणिक से कि तुम वहां पहुंचो जल्दी से। क्या समझ आ रहा है? और वहां जाकर के मुनि महाराज से कहना, उनको संबोधन करना, और वहां पहुंच करके अगर तुमने देर कर दी तो उनकी जो लेशिया बिगड़ती चली जा रही है, उस बिगड़ती हुई लेशिया के कारण से उनके लिए नरक आयु का भी बंद हो सकता है, अशुभ आयु का भी बंद हो सकता है। समझ आ रहा है? और अगर यही लेशिया बिगड़ती चली गई तो वह उनको अशुभ आयु का भी बंद करा देगी। ये कौन कह रहा है? गणधर परमेष्ठी। लेशिया बिगड़ रही है तो वह अशुभ आयु का बंद करा देगी, ये वचन है किनके? गणधर परमेष्ठी के। करा देगी, अशुभ लेशिया के कारण से निरंतर बढ़ती हुई अशुभ परिणामों के कारण से नरक आयु का भी बंद हो सकता है, होगा, हो जाएगा। समझ आ रहा है? भविष्य की बात बता रहे हैं, और कौन बोल रहे हैं? निश्चितता से क्यों नहीं बोल रहे हैं? मतलब बिल्कुल निश्चितता से क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं समझ आ रहा है? इस दृष्टांत को आप पढ़ो और इसको देखो कि
आज उस समय पर गणधर परमेष्ठि भी बिल्कुल यूनी कह रहे हैं कि सर्टेनली ऐसा ही होगा। समझ आ रहा है क्या कह रहे हैं? अगर तुम वहां नहीं पहुंचे तो उनके परिणाम इतने बिगड़ सकते हैं कि उन्हें अशुभ आयु का बंध हो सकता है। लेस्या परिणाम बिगड़ते चले जा रहे हैं, संक्रेश बढ़ता जा रहा है, इसलिए तुम जाओ और वहां जाकर के उनको शांत भाव से बिल्कुल संबोधन देना और वहां पहुंच करके उनसे बिल्कुल विनय पूर्वक उनके चरणों में बैठ करके उनके लिए एक गृहस्थ अवस्था से हटाने वाला उन्हें एक संबोधन देना। बस उन्हें महसूस कराना आप मुनि महाराज हैं, आपने अपने घर राजपाट सब कुछ छोड़ दिया, अब आप उसी बात को पुनः याद करके अपने परिणाम क्यों खराब कर रहे हैं? यस्य शास्त्रे पदार्थाश्च तत्त्वानि वा द्रव्य पर्याय भाव स्वभाव गुणः स्पष्ट मा भान्ति वै दर्पणे बिम्बवत्